फ्रेंड्स, टेक्स स्मार्ट 444 में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। जियो पॉज प्लस में आपको प्रॉब्लम आती है एजेंट ऑथेंटिकेशन फेल्ड फ्रॉम ओआईडी। इस प्रॉब्लम को किस तरह से दूर करवाएंगे उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखें। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, आपको ये प्रॉब्लम आती है जब आप अपने लॉगिन करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है एजेंट ऑथेंटिकेशन फेल्ड फ्रॉम ओआईडी। इस तरह का आपको मैसेज आता है और आप अपने इस ऐप को लॉगिन नहीं कर पाते, तो वो किस तरह से दूर कर पाएंगे उसकी जानकारी मिलूंगा। जैसे आप यहाँ पर अपने पासवर्ड डाल देते हैं अपने आईडी के बाद, तो आपको इस तरह से मैसेज आता है। तो ये आपको इस वजह से आ सकता है, हो सकता है आपने अपना नेट ऑन कर रखा और आपने वाईफाई ऑन ना किया हो। आप अपने वाईफाई को ऑन कर ले जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर आपको ये फॉरगेट पासवर्ड के लिए आपने क्लिक किया करना होगा। तो फॉरगेट पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको आपको क्या करना होगा उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। छोटा सा वीडियो, आप पूरा देख लेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहे तो आप हमारे इस चैनल पर देख पाएंगे जिसमें आपको काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी मिल जाएगा। तो फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए आपको अपनी आईडी जो है वो आप कागज़ पर नोट कर लीजिए। वो आईडी आपको यहाँ डालनी होगी जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर ने दी हुई, वो आईडी आपको यहाँ लिखनी है और यहाँ नीचे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके जो मैसेज बॉक्स है और जो आपके मेल आईडी है उन दोनों पर आपको एक ओटीपी जाएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ डालनी होगी। अगर आपके इसी मोबाइल में होगी तो वो डायरेक्ट भी ले सकता है, अगर डायरेक्ट नहीं लेता है तो आपको जो मैसेज आएगा उसको आपको इसमें लिखना होगा। जो 6 अंकों की ओटीपी आएगी वो आपको यहाँ लिखनी होगी। मेरे अभी वेट हो रहा है तो अभी ये जब तक ओटीपी आती है तब तक मैं आपको और भी जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पर ओटीपी आ चुकी है तो यहाँ पर मैं ओटीपी डाल लूँगा। और ऐसे वीडियो आप देखना चाहे तो आप हमारे इस चैनल पर काफ़ी अच्छी तरीके अच्छे अच्छे वीडियो मैंने डाले हुए हैं जिसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है जियो संबंधी या और किसी कंपनी में और अलग अलग कैटेगरी का वीडियो देखना चाहे तो आप यहाँ पर देख पाते हैं। तो यहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड करना है, आपको नया पासवर्ड बनाना है जो आप कम से कम 10 अंकों का बनाएं। उसमें आप अपने अल्फाबेट अंक भी ले सकते हैं, कुछ सिंबल भी ले सकते हैं और कुछ तक कुल मिलाकर 10 अंकों का पासवर्ड बनाना जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। वो आप दो बार यहाँ कंफर्म कर लेंगे। जैसे मैंने दो बार डाला तो यहाँ दोनों बार सेम नहीं हुआ, तो मुझे इस तरह से मैसेज आया है। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको दोनों बार एकदम सही लिखना है। जो ऊपर लिखा है वही आपको नीचे लिखना है। आप चाहें तो यहाँ देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों बार एक्यूरेट सही पासवर्ड लिखेंगे तो आपके ये प्रॉब्लम दूर होने का रहेगा। तो वो किस तरह से होगा, तो यहाँ पर मैंने एक बार लिख लिया है, वही मैं दूसरी बार लिख रहा हूँ। अगर इस बार भी मेरे गलत हुआ तो वो चेंज पासवर्ड नहीं हो पाएगा। दोनों बार सही लिख लिया मैंने तो ये मेरे सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। और यहाँ से मैं अब बैक हो जाता हूँ। यहाँ बैक होने के बाद यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ। आप चाहे तो यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ एंट्री नहीं करके सीधा बैक हो जाता हूँ। और जहाँ पर मुझे रिचार्ज करने के लिए फिर से ऑप्शन करना है, एमएनपी करने के लिए या एक्टिवेशन करना चाहता हूँ, उस ऑप्शन में जाना है। तो मैं यहाँ पर जियो पॉज प्लस में अपने नए वर्जन V1.0.7 में आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैं अपने आईडी जो लगी हुई है उसके नीचे मैं अपने नए जो पासवर्ड बनाए हैं वो लगा कर यहाँ पर मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको जो पेज है वो ओपन हो जाएगा जियो पॉज प्लस का। आपकी सारी सेटिंग सही हुई तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। आपने वाईफाई ऑन कर लिया है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करूँगा। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद आप अपने जो सारे ऑप्शन हैं वो आपके सर खुल जाएंगे जिसमें आप पेमेंट भी कर सकते हैं, अपना लेजर चेक करवाएंगे, नए एक्टिवेशन कर पाएंगे और आप रिचार्ज संबंधी सारे ऑप्शन यहाँ से काम में ले पाएंगे। रिचार्ज टॉपअप जो भी करना चाहे वो कर पाते हैं। तो इस तरह आपको जियो पॉज प्लस में एजेंट ऑथेंटिकेशन फेल्ड फ्रॉम ओआईडी का जो दिक्कत था वो दूर हो जाएगा V1.0.7 में। तो इस तरह आप काफ़ी अच्छे तरीके से इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। जानकारी चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।